तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमित घोष और आज हमारे साथ जो मोटरसाइकिल है वो है एक एडवेंचर टूरर और या तो एक एडवेंचर मोटरसाइकिल आप कह सकते हैं। ये मोटरसाइकिल ट्रायम्फ की तरफ से है और इसका नाम है टाइगर 1200। ये प्रीवियस जनरेशन टाइगर से एक बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड मोटरसाइकिल है जैसा कि ट्रायम्फ कहता है। और ये मोटरसाइकिल को बहुत ही हार्डकोर ऑफरोडिंग कर पाता है और वो सारी जगह पे जा पाता है जहाँ पे एक नॉर्मल मोटरसाइकिल जाने की सोच भी नहीं सकता है। तो जी दोस्तों वीडियो देखते रहिए और हम आपको बताएंगे हर एक चीज़ जो आपको इस टाइगर 1200 के बारे में जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं सामने से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो आंखों में पड़ती है वो है इस बाइक की ये DRL। तो ये DRL LED है और ये हेडलैम्प यूनिट जो डबल बैरल हेडलैम्प यूनिट आपको दिख रहा है वो भी LED हेडलैम्प यूनिट है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हेडलैम्प का लो बीम का थ्रो तो अच्छा है पर हाई बीम का थ्रो थोड़ा सा कम है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे फॉग लैंप्स लगाने की जगह है तो वो आप ट्रायम्फ के डीलरशिप से परचेस कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे एक बीक टाइप एक्सटेंडर मिलता है और यहाँ पे एक मैसिव विंडस्क्रीन मिलता है। तो ये विंडस्क्रीन जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। टाइगर 800 था उसमें मैनुअली एडजस्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। तो एक बटन के सहारे ये आप विंडस्क्रीन, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ऑन द गो। ये विंडस्क्रीन काफी हेल्प करता है, सामने से जो विंड ब्लास्ट आ रहा है और जो कीड़े और जो धूल मिट्टी आ रही है यहाँ से सब कुछ ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है, डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं आता है। तो ओवरऑल दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सामने का हिस्सा काफी ब्रॉड है और काफी चौड़ा है और ये सारी चीजें बीक और ये हेडलाइट और ये जो मैसेज विंडस्क्रीन है ये इसके फ्रंट एंड को काफी अच्छा बनाता है। तो जी दोस्तों ये है ट्रायम्फ टाइगर 1200 का साइड प्रोफाइल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ी मोटरसाइकिल है और काफी ऊंची मोटरसाइकिल है। मैं 6'2" का बंदा हूँ और मेरे सामने ये मोटरसाइकिल कितनी ऊंची लगती है, कभी भी मैं लगता है मैं इस मोटरसाइकिल के सामने काफी छोटा हूँ बिकॉज ये एक्चुअली काफी बड़ी मोटरसाइकिल है। और आप एक चीज नोटिस करेंगे आपको यहाँ पे टाइगर 1200 का एक स्टिकरिंग मिल जाएगा, एक बैज मिल जाएगा। प्रीवियस जनरेशन वाला टाइगर था उसको टाइगर 1200 एक्सप्लोरर बोलते थे तो वो लोगों ने एक्सप्लोरर सफिक्स निकाल के इसको बस टाइगर 1200 बोला है। आपको यहाँ पे ट्रायम्फ का बैज मिलेगा और तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये XCX वेरियंट है जो लॉन्च हुआ है इंडिया में। तो ये वेरियंट ऑफ रोड बाइस वेरियंट है तो इसमें आप देख सकते हैं ये स्पोक्ड व्हील्स है। यहाँ पे स्पोक्ड व्हील जो है दोस्तों सामने का जो है सामने का सेक्शन है एक 19 इंच टायर और पीछे का है एक 17 इंच। तो जैसे कि आपको बता दूं कि इसमें मेजरस के टायर लगे हैं जो कि काफी अच्छे हैं, ग्रिप लेवल्स काफी अच्छे हैं टायर के। और तो और आप एक और चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील खाली है तो ये सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है, ना ही चेन ड्रिवन है ना ही बेल्ट ड्रिवन है, ये एक शाफ्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल है। तो इसमें यहाँ पे आपको ये स्विंग आर्म के साथ आपको ये शाफ्ट ड्राइव मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा है, कोई पावर लॉस नहीं होता है शाफ्ट ड्राइव में। तो उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल इस साइड से काफी अच्छी लगती है ये शाफ्ट ड्रिवन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये ग्रैब रेल, यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है। तो ये जो क्रैश गार्ड है दोस्तों और ये जो ग्रैब रेल है ये आफ्टर मार्केट है, ये आप प्राइम डीलरशिप से परचेस कर सकते हैं। तो ये आप साइड पैनल साइड के जो डब्बे होते हैं वो लगाने के लिए और यहाँ पीछे भी आप लगा सकते हो एक, वो भी आप आफ्टर मार्केट है। जो आपको मिलता है इस बाइक के साथ वो है ये एरो का एग्जॉस्ट। तो मैं आपको एग्जॉस्ट एक बार सुना देता हूँ। ये काफी अच्छा साउंड करता है सारे एग्जॉस्ट के साथ और ये आवाज थी डीवी किलर के साथ। तो अगर आप डीवी किलर निकालना चाहते हैं तो ये बाइक और भी अच्छी साउंड करेगी और लाउड साउंड करेगी। फिलहाल इंजन की बात करें तो आइए बताता हूँ, ये एक 1215 सीसी का इंजन है जो कि 138 BHP और 122 NM ऑफ टॉर्क निकालता है, 138 BHP एंड 122 NM ऑफ टॉर्क। मेटेड एक 6-speed गियरबॉक्स है तो गियरबॉक्स काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑफ रोड बायस फुटपैग्स मिलते हैं, स्पाइक्ड हैं ताकि आपका जब आप खड़े होके जब आप चला रहे तो आपका पैर ना स्लिप हो जाए। यहाँ पे आपको एक बाग बस्टर मिलता है दोस्तों। और सीट के बारे में एक चीज बता दूं तो ये सीट हीटेड सीट्स हैं, प्रीवियस जनरेशन वाला बाइक था उसमें भी हीटेड सीट्स थे। सीट्स काफी कंफर्टेबल है, मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ। तो ये है सीटिंग पोजीशन इसका दोस्तों, तो जैसे कि आप देखिए ये है इसका सीटिंग पोजीशन, काफी कंफर्टेबल है। सीटिंग पोजीशन इसीलिए कंफर्टेबल है क्योंकि प्रीवियस जनरेशन से इसका जो हैंडल बार है वो 20 mm राइडर की तरफ किया गया है। तो 20 mm आपको उतना लग नहीं रहा होगा लेकिन 20 mm काफी होता है एक बाइक इस साइज के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं जब बैठा हुआ हूँ अपराइट पोजिशन है मेरी चलाने में और कोई दिक्कत नहीं है, और जब मैं खड़े होकर चला रहा हूँ तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्टेबल रहता है, और आप खड़े होकर जब आप ऑफरोडिंग कर रहे हैं, आप जब मैन्यूवर कर रहे हैं, तो ये आपको लेफ्ट राइट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो स्पाइक्ड फुटपेग्स हैं, ये आपके पैर को ऐसे स्लिप होने से बचाते हैं, ताकि अगर आप बर्फ़ में चला रहे हैं या कहीं चला रहे हैं और गीला है पैर, तो आपका पैर उस पर बने रहे। एक और चीज़ के बारे में बता दूँ तो इसके सस्पेंशन के बारे में, ये WP सस्पेंशन है, तो ये सेमी एक्टिव सस्पेंशन है। इसमें क्या करता है, इस बाइक में 5 मोड हैं, इस बाइक में नॉर्मल, ऑफ रोड, ऑफ रोड प्रो, रेन, स्नो और डायनामिक, 5 मोड है। तो जब आप ऑफ रोड प्रो में लगाते हैं, तो बाइक सस्पेंशन और इंजन ट्यूनिंग अपने आप कैलिब्रेट हो जाती है आपके टेरेन के हिसाब से। हर 10 मिली सेकेंड में ये रीडिंग लेके सस्पेंशन के सेटिंग्स को चेंज करता है। तो सेमी एक्टिव सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। सामने आपको मिल जाएंगे WP के 43mm के अपसाइड डाउन, पीछे एक मोनोशॉक मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। कॉर्नरिंग कर रहे हैं आप, ऑफ रोड कर रहे हैं आप, उस हिसाब से आप अपना मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी मोड्स हैं इसमें, हीटेड ग्रिप्स भी हैं और हीटेड सीट, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये बागबस्टर्स जो यहाँ पे है, ये आफ्टर मार्केट है बागबस्टर्स। तो ओवरऑल दोस्तों इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, और बाइक काफ़ी बड़ी है, और तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों, जो आपको ऑफ रोडिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, बहुत कुछ है इस बाइक में दोस्तों। तो ये थी टाइगर 1200, साइड से काफ़ी अच्छी लुकिंग बाइक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, काफ़ी बड़ी लुकिंग बाइक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी टाइगर 1200 का साइड प्रोफाइल और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सब कुछ जो कि आप जान सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है टाइगर 1200 का TFT स्क्रीन, जिसके आप देख सकते हैं ये कलर स्क्रीन है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइम, यहाँ पे आपको मोड बताता है कौन से मोड पे, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको लो फ्यूल या किसी भी चीज़ की इंडिकेशन आपको मिल जाएगी। ये RPM मीटर है, टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड बताएगा, और ये गियर पोजीशन सेंसर है। आपको कुछ टेलटेल लाइट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, तो यहाँ पे जैसे टर्न इंडिकेटर, हाई बीम, ABS, लो फ्यूल, फिर यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, DRL, इंजन ऑयल और चेक कंट्रोल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी ब्राइट है ये, काफ़ी डेलाइट में भी पढ़ने के लिए काफ़ी ब्राइट है। आपको एक ट्रायम्फ लिखा हुआ मिल जाएगा। प्लस आप यहाँ पे नीचे देखें तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो ये टॉगल स्विच है, इससे आप काफ़ी कुछ, जैसे ये स्क्रीन हाइट एडजस्ट है, प्लस आप राइट करेंगे तो आपको सस्पेंशन सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो मैंने आपको बोला था 3 सेटिंग्स हैं, तो कम्फर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इन दोनों में आपको किलोमीटर रेंज और ट्रिप मीटर्स मिल जाएंगे, ये आपको मिलता है दोस्तों। ये स्टाइल है, तो आप जब स्टाइल 1 लगाएंगे, देखिए आप टैकोमीटर का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो इसमें आपको 3 स्टाइल दिए गए हैं, मेरे को बीच वाला अच्छा लगता है दूसरा, तो जैसे कि मैं दूसरा रखता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रीडेबल है और काफ़ी अच्छा है। ये आपको नेक्स्ट वाला है आपको कूलेंट बताने के लिए, और फिर वापस से आप स्क्रीन हाइट एडजस्ट पे आ जाते हैं। मोड्स दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है रोड, ये है स्पोर्ट, ये ऑफ रोड, ऑफ रोड प्रो और रेन, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर रोड पे चला रहे तो आप ये वाला मोड सिलेक्ट करके चलिए। प्लस राइट हैंड साइड पे आपको होम बटन है, होम बटन दबाते ही आप मेन मेन्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइडिंग मोड्स हैं, बाइक सेटअप, ट्रिप सेटअप, डिस्प्ले सेटअप, रीसेट टू डिफॉल्ट। तो राइड मोड पे जैसे आप जाएंगे तो रेन आपको, जैसे रोड वाला सेट करना है तो आप ABS, मैप, TC या बहुत कुछ है जो आप बाइक पे अपने आप मैनुअल सेटअप कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये TFT डिस्प्ले, और काफ़ी ब्राइट है, और रात को इसका कलर इन्वर्ट हो जाता है, तो रात को ये ब्लू और ब्लैक हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा जेस्चर है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप देख सकते हैं एकदम बैक, इसकी जो बैक लाइट है बिल्कुल वाइट है, तो भरी धूप में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। तो जी दोस्तों, ये थी टाइगर 1200 की TFT स्क्रीन। तो जी दोस्तों, ये थी टाइगर 1200, और इस बाइक का प्राइस है 21,60,000 रुपये ऑन रोड, या तो 17.5 लाख रुपये एक्स शोरूम। और ये सारा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक कुछ 2 लाख रुपए सस्ते है प्रीवियस जनरेशन से। तो ये खुशखबरी है उन लोगों को जो ये बाइक खरीदना चाहते हैं, कि ये 2 लाख रुपए भी सस्ता हो गया है। और तो और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस बाइक के बारे में कुछ और जानना है, हम लोग मिस आउट कर गए, तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ कॉमेंट करिए, हम लोग वापस आपको उसका रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए मैं प्रोमित साइन आउट करता हूँ, मिलता हूँ अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।